800 पर डे। चलो स्टैंडर्ड। यार तीन दिन हुआ है। अच्छा, तो अभी बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं कि? बाबा का तो दर्शन करने के लिए तो आया था जी, बहुत कष्ट हुआ जी, लेकिन बारिश नहीं थम रहा है तो अभी अभी कल लौटना वापस जाओगे? हाँ। अच्छा, बाबा के दर्शन किए बगैर आप वापस जाओगे? हाँ, पहले आप तो कहाँ से? मैं बंगाल से आया, मालदा जिले से, वेस्ट बंगाल से आया हूँ जी। तो अभी तो दर्शन नहीं पाया जी, तो लगता है होगा नहीं पाएगा जी, निराश से फिर रहा हूँ। आए हैं 25 तारीख से यहाँ जी, अभी यात्रा नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। अभी कहाँ जाएंगे आप वापस? अभी जाएंगे जम्मू, जाएंगे जम्मू से वापस चला जाऊंगा। बाबा बर्फानी के दर्शन आप नहीं करोगे अब? देखिए, ये जो बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम अच्छा नहीं है, जाने का खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोग घर का आदमी भी परेशानी हो रहा है, इसीलिए हम लोग घर जाने पड़ते हैं। यहाँ पर तीन दिन हो गए चंदनबाड़ी में रुके थे जी, तो वहाँ पर तो लगातार बारिश हो रहा है जी, और ऊपर भी मौसम बहुत खराब है, उन्होंने बोला जी पुलिस के लोगों ने कि शेषनाग में बहुत मौसम खराब है, तो जो लोग कुछ लोग गए थे वो वापस भी आ गए शेषनाग से, हम तो ऊपर चढ़ ही नहीं सके जी। अभी ट्रेन है, घर जाना है, ऑफिस है, तो इसलिए वापस जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है पहलगाँव में भी यहाँ से बोल रहा है कि जम्मू का रास्ता बंद है, तो वही बहुत दिक्कत है कि कैसे घर जाएंगे ये सोच रहे हैं। तो हम कोलकाता से आए, हम लोग 4-5 आदमी का टीम है जी, तो हम लोग यात्रा के लिए आए थे, लेकिन कल शाम को गए थे हम लोग जी, तो देखा कि वहाँ बहुत बारिश हो रहा है और आदमी से बोल रहा है कि ऊपर नहीं जाने देगा जी, तो हम लोग फिर रात में रुका उधर, फिर आज सुबह निकल गया वहाँ से जी, निकल के हम लोग फिर जम्मू जाने वाला है, लेकिन यहाँ से रुक दिया, बोला कि जम्मू का गाड़ी नहीं चल रहा, मतलब आप यात्रा करके ही जाए, क्यों नहीं जाओगे यात्रा? एक्चुअली हम लोग तीन दिन हुआ कि यहाँ आए हैं जी, तो हमारा बजट भी इतना है नहीं कि इतना, कितना दिन रुकेगा वो भी पता नहीं है, मतलब ऊपर में जाने देगा कि नहीं देगा वो भी अभी तक कुछ हमारे कंफर्मेशन नहीं है। खाने का तो इंतजाम पूरा है यहाँ पे, तो इसके लिए वो तो है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कितना दिन रुकेगा यही सोच रहा कि, इसलिए आप वापस जाना चाहते हैं। पहलगाम नून बेस कैंप में अभी जो है 5,000 के करीब यात्री मौजूद है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यात्रियों में काफी उत्साह है, यात्रियों में काफी उमंग है, यात्रियों में काफी जोश है कि हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे, लेकिन बारिश उनको अभी रोक रही है। कई यात्रियों से हमने बात की, जिन यात्रियों का यही कहना था कि हम अपने घरों की तरफ अभी कोच हो रहे हैं, हम अपने घरों की तरफ अभी रवाना हो रहे हैं, क्योंकि 4 दिनों से जो है बाबा ने अपने दर्शन नहीं दिया है, भोले बाबा के दर्शन अभी नहीं हो पाए, इसलिए कुछ यात्री जो है वो जम्मू की तरफ रवाना हो चुके हैं। उनका यही कहना था कि हम दुआ करते हैं कि अगले साल जो है, अगले साल हम आएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के साथ सज्जाद मुनवाड़ी, एक्सेलसियर न्यूज़, पहलगाम, अनंतनाग।